अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाईनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको आइडिया वो बाईनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाली जाती है और होती क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है डेरिवेशन ऑफ बाईनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, के बाईनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो ये है, लेट एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड एन टाइम। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसे एन टाइम रिपीट किया, हैविंग ओनली टू आउटकम, और उसकी दो ही आउटकम हैं। मैं बताता हूँ ये इसके क्या मीनिंग है। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वी फर्दर एज्यूम दैट, फिर हम इस बात को भी एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ तक इसके मतलब आप समझ लें कि हमें ये कहा गया है कि डिराइव करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कहा कि फ़र्ज़ किया कि हम एक एक्सपेरिमेंट को एन टाइम करते हैं। एन टाइम मीन के जैसे आप सिक्का उछाल रहे हैं, तो उसे हमने 50 दफ़ा उछाला, लेकिन उसके आने के चांसेस दो ही हैं, या हेड आता है या टेल आता है। तो ऐसा कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हम लूडो नहीं खेल रहे कि उसके दाने फेंकेंगे तो उसके 6 आउटकम आ सकती हैं, तो ऐसी की बात नहीं कर रहे। बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसके आने के दो ही चांस हों। तो आप समझ गए हैं कि जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, इस तरह की बात, या जैसे कि पास या फेल, या फिर इस तरह के जो चांसेस होते हैं उसको हम बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे पॉइंट्स हैं। पहली बात है, हमने कहा कि पी हम नंबर ऑफ सक्सेस को कहेंगे और क्यू जो है ना फेलियर को। अच्छा, सक्सेस और फेलियर से क्या मुराद होती है? देखें, जब आप दो खिलाड़ी मैदान में जाते हैं और टास्क करते हैं, तो एक की सक्सेस होती है और दूसरे की फेलियर होती है, या फिर पहले की फेलियर दूसरे की सक्सेस, या दूसरे की सक्सेस तो पहले की फेलियर। मतलब ये होता है कि एक अगर एक कामयाब है तो दूसरा नाकाम होता है, या फिर दूसरा अगर नाकाम है तो पहला कामयाब होता है। तो ऐसे रिलेशन बनता होता है, हर चीज़ में फेलियर और सक्सेस लाजमी होती है। अब हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ट्रायल टू ट्रायल। इसकी जो, याद रखें, हम पढ़ रहे हैं बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सक्सेस जो है वो सक्सेस टू, यानी कि आप ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती है। क्या मतलब? देखें, आप लोग कमेटी डाल रहे हैं। अब कमेटी आपने 6 महीने के लिए डाली हुई है और 6 बंदू ने डाली है, तो अब हम उसमें क्या करते हैं, वो पर्चियाँ डाल देते हैं कि भाई कमेटी किसकी निकली है। अब पहले महीने जिस बंदे की निकल आएगी, अब अगली दफ़ा दोबारा जब हम कूड़ा अंदाजी करेंगे तो जिसको निकल चुकी होगी उसकी पर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर दोबारा उसी को कमेटी मिल जानी है। तो इस तरह उसके उस बंदे का नंबर आने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी जो ट्रायल होती है ना, वो बाइनॉर्मल में नहीं आती। बाइनॉर्मल में ये होता है, जैसे आपने सिक्का उछाला तो हेड या टेल में से सपोज टेल आ गया, अब आपने दूसरी दफ़ा जब उछालेंगे तो फिर हेड भी आ सकता है, टेल भी, यानी दोनों के चांसेस पहली दफ़ा भी सेम थे, दूसरी दफ़ा भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि सक्सेस के चांसेस ट्रायल टू ट्रायल जो है सेम रहते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन के डिपेंड नहीं करती किसी बात के ऊपर, ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ फिक्स नहीं की होती कि अगर ऐसा हुआ तो तब ये होगा, कोई कंडीशन नहीं होती। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। जो एक्स है वो नंबर ऑफ सक्सेस को अगर शो करे तो फिर हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर सक्सेस हुई जीरो तो इक्वल टू पी ऑफ एफ 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 एफ, क्या चीज़ है आपको, अगर एक्स सक्सेस है तो एफ अगर फेलियर है आपका तो पी ऑफ एफ एफ एफ, यानी कि आपने ट्रायल किया एन टाइम। तो अगर आपके पास सक्सेस है ही नहीं, सिफर है, तो इसका मतलब है थ्रू आउट ऑफ फेलियर है, एन टाइम आप एफ आएगा, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब इस पी को हमने सब के ऊपर अप्लाई कर दिया, इस पे इस पे इस पे, इस तरह बहुत सारी बन गई। अब स्टूडेंट एक बात याद रखें कि ये रिलेशन होती है कि पी ऑफ जो एक्स वाई होता है वो उनको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब अगर ये इकट्ठे लिखे थे तो हम इन्हें अलहदा कर सकते हैं। अब याद रखें कि पी ऑफ जो एफ है, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर को फेलियर ही कहते हैं। क्यू जो है ना, ये फेलियर को शो करता है, नाकामी को शो करता है। लेकिन क्यू, पी और क्यू में क्या फ़र्क होता है? पी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि पी ऑफ एक्स को आप लोग पी कहेंगे और पी ऑफ एफ को आप क्यू कहेंगे। याद रखें, कौन से पी की बात करूँ, एक स्मॉल पी है। आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक स्मॉल पी, एक कैपिटल पी, और कैपिटल पी प्रोबेबिलिटी को शो करता है और स्मॉल पी जो है वो सक्सेस को शो करता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हमने क्यों कहा हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को क्यों कहा हुआ है, तो ये सारी क्यू बन गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, हम कहते हैं कि अगर एक्स इक्वल टू सक्सेस हो, अगर वो सक्सेस जीरो हो, यानी एन में से अगर कोई भी सक्सेस ना हो तो ऐसे बनेगा, तो फिर उनकी कीमतें ये होंगी, क्योंकि क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है फेलियर की। यहाँ पहुँचे,
अब ये कितनी दफा क्यू है, ये एन टाइम क्यू है, क्यू की पावर एन। क्यों एन है? क्योंकि हम ऊपर सपोज करके आए हैं ना इसकी डेरिवेशन में कि सपोज ये एन है। अब हमने क्या किया, अब हम कहते हैं सपोज पहले सक्सेस अगर सिफर आई तो, अब अगर सक्सेस वन हुई तो अब आप देखें पी ऑफ एक ऐसा आएगा एफ एफ एफ, यानी कि एन में से बाकी सारे, क्योंकि एक ही सक्सेस है तो एक सक्सेस आएगी बाकी सारे फेलियर, इस तरह करके ये बन जाएगा और इसमें से एक पी बनेगा। ये आपने जब लिखा इसे तो एक तो हमारे पास बन गया है पी, एक क्या बना है पी बन गया इसका, और ये जो है ना क्यू बाकी सारे क्यू बन गए। अब पी एक ही है और क्यू कितने हैं, एन माइनस वन क्यू हैं। एन माइनस वन क्यों है आपको समझ आए इसकी, क्योंकि टोटल एन थे एक पी हो गया पीछे एन माइनस वन बचे। इसी तरीके से सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जब एक्स टू होगा तो पी की पावर टू और क्यू की पावर एन माइनस टू आएगा, और जब एक्स स्मॉल एक्स के इक्वल होगा तो पी की पावर एक्स आ जाएगा क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इस चीज़ को स्टूडेंट कहते हैं बर्नौली, सॉरी आप क्या पढ़े, बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको ये पता हो बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो आपका सिंपल सा आंसर है कि इसको हम कहते होते हैं बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस टर्म को, यानी पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसका जो फर्दर पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका मीन कैसे निकालते हैं, इसका वेरियंस कैसे निकालते हैं, और इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, और फास्ट फोर मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।